Hi guys, it's Mama Panda here. Today we are making chicken and chickpea soup. Let's start our recipe. Chicken and chickpea soup बनाने के लिए जो ingredients चाहिए हैं वो ये हैं. हमें चाहिए है 1 chicken जिसको हमने cut कर लिया है curry pieces में. हमें चाहिए हैं 2 bay leaves यानी तेज पत्ता, 1 teaspoon freshly grated ginger यानी अदरक, 1 tablespoon roasted cumin यानी भुना जीरा, 2 tablespoon chicken stock powder, 1 teaspoon garlic granules, 2 teaspoon हल्दी, 2 teaspoon black pepper or according to your taste, 3 teaspoon ground coriander यानी धनिया पाउडर, 1/2 tablespoon salt or according to your taste, 2 teaspoon पेपरिका पाउडर. 1 cup कुक होने के बाद ये बॉईल छोले हैं, ये देखिए बॉईल किए हैं मैंने घर में, और इसी का पानी है ये छोलों का, मगर इसमें जो है ये प्लेन है, इसमें किसी किस्म का नमक और सोडा नहीं है. 2 carrot जो मैंने ग्रेट कर ली है गाजर, 1 cup फ्रेश कोरिएंडर जो कि मैंने फाइनली चॉप कर लिया यानी धनिया, रेड अनियन चॉप, 4 tablespoon कॉर्नफ्लावर एंड 2 से 3 tablespoon वेजिटेबल ऑयल. चाहिए है 1 lemon का जूस और हमें हार्ड बॉयल 2 eggs चाहिए फॉर डेकोरेशन. और इट्स अप टू यू कि आपको जितने यूज़ करने हो आप एग यूज़ करें और नहीं यूज़ करने तो इट्स ओके. सबसे पहले हम एक बिग पॉट लेंगे, उसमें में ऑयल डालेंगे. गर्म होने के बाद हम इसमें अनियन डालेंगे और इसे सौते करेंगे फॉर कपल ऑफ मिनट्स ऑन मीडियम हीट. अब इसमें हम जिंजर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, डालेंगे वो मिक्स करेंगे, इसमें कोरिएंडर डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 1 मिनट इसको पकाएंगे. पेपर डालेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे, भुना जीरा डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, बे लीफ डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और कपल ऑफ मिनट हम इसे भूनेंगे. इसमें हम तकरीबन 1 से 2 tablespoon वाटर डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे भूनने में, ताकि अच्छी तरीके से हमारा सारा मसाला भून जाए. चिकन डालेंगे और इसको भूनेंगे. गार्लिक गार्निल डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि चिकन की कलर चेंज हो जाए. इसमें हम छोले डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. इसमें पानी डालेंगे छोलों का, सर नॉर्मल वाटर हॉट डालेंगे इसमें. तकरीबन इसमें जो है 8 to 10 कप्स वाटर गया है. इसमें सॉल्ट डालेंगे, टॉप पाउडर डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए. अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ चुका है. अब हम इसे ढकेंगे और चूल्हे की आंच को हल्का कर देंगे और 40 मिनट्स कुक करेंगे. आफ्टर 40 मिनट्स के बाद हम देखेंगे इसको, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कुक्ड है. अब हम इसमें से सारे चिकन जो है निकाल लेंगे प्लेट में. हमने जो है सूप में से सारी चिकन निकाल ली है. अब हम सारी चिकन को जो है हड्डी में से निकाल लेंगे और उसको श्रेड करके वापस सूप में डालेंगे. चिकन की मैंने पीसेस कर लिए हैं, अब मैं इसे वापस सूप में डालनी हूँ. तो मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इसमें लेमन जूस डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे. एक बोल में मैंने जो है 4 tablespoon कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 cup वाटर डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से घोल लूंगी. और इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो लम्ब नहीं होना चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए. स्लोई स्लोई कॉर्नफ्लावर डालेंगे जो घोल के हमने रखा है.
ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा सूप जो है वो थिक हो जाए। हिलाएंगे और कुक करेंगे 1 मिनट। देख सकते हैं कि हमारा सूप रेडी है और इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इतनी थिकनेस रखी है इसकी। हम इसे एक सर्विंग बोल में निकालेंगे सूप को। Now it's ready to serve with bread.